आईपीएल 2021 का 15वां मैच चेन्नई सुपर किंग और केकेआर के बीच मुंबई में जारी है। वहीं टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने कोलकाता टीम को 221 रनों का टारगेट दिया। ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल में अपनी चौथी और फाफ डुप्लेसी ने 17वीं फिफ्टी जड़ी। वहीं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सीजन में पहली बार नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और 17 रन बनाए। वहीं चेन्नई सुपर किंग ने 3 विकेट गंवाकर 220 रन बनाए। फाफ डुप्लेसी ने 60 बॉलों पर 95 रन और ऋतुराज ने 42 बॉल पर 64 रनों की पारी खेली। ये सीजन में दोनों की पहली 50 भी रही। वहीं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे मोइन अली ने 12 बॉल पर 25 रन जड़े। वहीं इससे पहले चेन्नई सुपर किंग ने तेज शुरुआत की। ओपनर फाफ डुप्लेसी ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ 33 बॉलों पर ही 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी की। वहीं 11वें ओवर में ऋतुराज ने सीजन में अपनी पहली और आईपीएल में चौथी 50 पूरी की। अगले ओवर में टीम का स्कोर 100 के पार पहुंच गया। वहीं ये इस सीजन में पहली बार है जब चेन्नई के ओपनर्स ने शतक की साझेदारी की। टीम को पहला झटका 115 के स्कोर पर लगा। वहीं वरुण चक्रवर्ती की बॉल पर ऋतुराज बाउंड्री पर कैच आउट हुए। इसी ओवर में फाफ डुप्लेसी ने भी अपनी आईपीएल में 17वीं 50 लगाई। वहीं डुप्लेसी ने एक छोर संभाले रखा और मोइन अली के साथ पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने मिलकर 24 बॉलों पर 50 रन छोड़ दिए। वहीं 165 के स्कोर पर चेन्नई को दूसरा झटका लगा। सुनील नारायण ने मोइन अली को 25 रन पर पवेलियन भेजा। कार्तिक ने उन्हें शानदार स्टंप आउट किया। वहीं कप्तान धोनी नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरे और फाफ डुप्लेसी के साथ पारी को आगे बढ़ाया। टीम ने 19वें ओवर में 200 रन का आंकड़ा भी पार किया। वहीं 201 के स्कोर पर टीम को तीसरा झटका लगा। धोनी 8 बॉलों पर 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। मैं आपको बता दें कि इससे पहले प्रसिद्ध कृष्णा ने पारी की 12वें ओवर में दोनों बॉल की, दोनों ही बार स्ट्राइक पर फाफ डुप्लेसी ने, जो फ्री हिट पर हर बार एक रन ही बना सके। इस ओवर में चेन्नई की टीम के 17 रन आए थे। वहीं ऋतुराज ने एक छक्का भी जड़ा था। एलडी न्यूज रूम की रिपोर्ट।